अजमेर रेल मंडल DRM राजेश कुमार कश्यप ने कहा कि विद्युतीकरण का कार्य 31 दिसंबर जबकि स्टेशन की सेकंड एंट्री 31 जनवरी तक खुल जाएगी। DRM कश्यप गुरुवार को भीलवाड़ा स्टेशन पर पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि रेलवे की विद्युतीकरण योजना अजमेर से डेट और उदयपुर तक 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद ही इस रूट पर विद्युत ट्रेनें दौड़ने लगेगी। रेलवे का विद्युत विभाग इस दिशा में प्रयासरत है। कश्यप ने कहा कि भीलवाड़ा स्टेशन पर पटरी पार की जनता के लिए सेकंड एंट्री 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें से 60 लाख रुपए की राशि सांसद विधायक कोष से स्वीकृत हुई थी लेकिन 48 लाख ही मिल पाए। अब शेष 52 लाख रुपए की व्यवस्था की जानी है। राशि की कमी के साथ ही बजरी पर रोक के कारण इस कार्य की गति धीमी हो गई है। 31 जनवरी तक प्लेटफॉर्म पर गाड़ियों का आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले DRM कश्यप के कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार भीलवाड़ा आने पर स्टेशन अधीक्षक अनवर अली खान, SM RP मीना, दिनेश शर्मा, सुशील टेलर, राजकुमार सोनी सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। DRM ने बताया कि सेकंड फेज में 2 करोड़ 50 लाख का कार्य अलग से किया जाएगा। इसके तहत स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर छज्जे की व्यवस्था की जाएगी। सुविधा सेकंड एंट्री के बाद नए प्लेटफॉर्म पर जनता के लिए AC वेटिंग हॉल, PRS, बेंचें लगाई जाएगी और पानी की सुविधा यात्रियों को मुहैया करवाई जाएगी। इसके बाद करीब 1.5 घंटे लगातार प्लेटफॉर्म, पोर्च सुविधा, SM कक्ष, वेटिंग हॉल, रेलवे कॉलोनी, RPF थाने, सेकंड एंट्री, 2 नंबर प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ रेलवे के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी शामिल थे। 332 A-class स्टेशनों का सर्वे हुआ था। इसमें भीलवाड़ा स्टेशन का 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। DRM ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए भीलवाड़ा की जनता बधाई की पात्र है। जनता के सहयोग से ही रेलवे अधिकारी यह बेहतर प्रदर्शन कर पाए हैं। भाई हमें ये बताओ ना, सीधे जो दोनों ये कामों पर जिनको जिनको इसमें काम भाई, इसको आप जब रहने का जिसको